नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने और करारी हार झेलने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार कारणों की समीक्षा में जुटी है। दिल्ली चुनाव में मिली हार पर अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को चेताया है और कहा है कि हमेशा मोदी और शाह जीत नहीं दिला सकते, इसलिए संगठन का पूर्ण गठन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने दीनदयाल उपाध्याय को कोट करते हुए दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार की समीक्षा छापी है और बीजेपी पार्टी की दिल्ली इकाई और चुनाव में उतारे गए उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से छापा है। लेख में जोर देकर कहा गया है कि एक संगठन के तौर पर बीजेपी को यह समझने की जरूरत है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी मदद नहीं कर सकते हैं। लेख में कहा गया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह विधानसभा स्तर के चुनावों में हमेशा मदद नहीं कर सकते हैं और स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली में संगठन के पूर्ण निर्माण के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दिल्ली चुनाव को लेकर मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में कहा गया है, साल 2015 के बाद बीजेपी की जमीनी स्तर पर खुद की ढांचागत व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और चुनाव के आखिरी चरण में प्रचार प्रसार को चरम पर ले जाने में दिखाई पड़ रही नाकामी, अच्छी तरह लड़े गए चुनाव में मिली विफलता बड़े कारण रहे हैं। दिल्ली डाइवर्जेंट एजेंट शीर्षक से लिखे गए इस आर्टिकल में दिल्ली में सिटी स्टेट के वोटिंग बिहेवियर को समझाने पर जोर दिया गया है। लेख में यह कहा गया है कि इस आर्टिकल को इसके संपादक प्रफुल्ल केतकर ने लिखा है। आर्टिकल में कहा गया है कि शाहीन बाग नरेटिव बीजेपी के लिए सफल नहीं रहा क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पर एकदम स्पष्ट थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल के भगवा अवतार पर कटाक्ष करते हुए ऑथर ने बीजेपी से उन पर पैनी नज़र रखने को कहा है। लेख में ये पूछा गया है कि CAA के बहाने मुस्लिम कट्टरपंथ के इस जिन को जो प्रयोग किया गया है केजरीवाल के लिए परीक्षण का नया मैदान बन सकता है। केजरीवाल इस खतरे का जवाब कैसे देते हैं? हनुमान चालीसा का उनका जवाब कितनी दूर था? इससे पहले ऐसी खबर आई थी कि संघ ने हिंदू केंद्रित राजनीति की जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को बदलते ट्रेंड को अपनाना पड़ा, मगर इस आर्टिकल के लेखक केतकर का मानना है कि ये आम आदमी पार्टी का असली पक्ष नहीं है। लेख में दिल्ली इकाई को साफ संदेश दिया गया है, आप विफल रहे। 2015 के बाद जमीनी स्तर पर संगठन ढांचे को पुनर्जीवित करने में बीजेपी की स्पष्ट विफलता को चुनाव की हार के प्रमुख कारणों में से एक माना गया है, जिसकी वजह से दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने महज 8 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बाकी सीटों पर जीत हासिल की। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।